हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको वर्टिकल फार्मिंग और कड़ी खेती के बारे में आपको ये वीडियो में बताना के जा रहा हूँ। ये अलग तरीके का एग्रीकल्चर मॉडल है। हमारा भारत देश में बढ़ता हुआ आबादी से लैंड कम हो रहा है, उसका पैसा भी ज्यादा हो रहा है लैंड खरीदने के लिए, इसलिए लैंड वैल्यू ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये कड़ी का खेती वर्टिकल फार्मिंग बहुत यूज होता है। ये कड़ी का खेती वर्टिकल फार्मिंग कम जगह से ज्यादा हम ग्रो कर सकता है। इसमें कम मिट्टी भी यूज करता है, ज्यादा मिट्टी नहीं हो तो भी चलेगा ये वर्टिकल फार्मिंग में। मैं ये मॉडल को एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आपको वर्टिकल फार्मिंग कड़ी खेती कैसे दिखता है। इधर आपको दिख रहा है ना, ये पानी को टैंक रखा है इधर ग्राउंड फ्लोर में, बाद में एक डीसी पंप है इधर, ये डीसी मोटर से पानी लिफ्ट होता है, पानी लिफ्ट होके ऊपर जाता है, ये थर्ड फ्लोर को जाता है। थर्ड फ्लोर में सभी प्लांट्स ग्रो हो रहा है। इसमें पानी के जाने के बाद में ये नीचे आता है, सेकंड फ्लोर को आता है, बाद में ये सेकंड फ्लोर को प्लांट्स को पानी देता है, बाद में फर्स्ट फ्लोर को आके पानी ये प्लांट्स को पानी देके वाटर टैंक में वापस आ जाता है। साइकिल जैसे पानी रोटेट होता रहता है, टैंक से थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ऐसे पानी जाता रहता है, सभी प्लांट्स को पानी देता रहता है। इसमें सब्जियां, टमाटर, कैबेज जैसे वेजिटेबल्स हम ग्रो कर सकता है। आपको दिखाता हूँ कैसे ये मॉडल काम करता है। मैं इधर स्विच ऑन कर रहा हूँ, स्विच ऑन किया तो अभी पानी ऊपर चला, ऊपर जाके सभी फ्लोर को पानी डाल के अभी पानी नीचे आ गया। जैसे पानी ऊपर आ जाता है, सबको पानी देता है, बाद में टैंक में वापस आ जाता है। ऐसे पानी रोटेट होता रहता है, ऐसे पानी भी कम वेस्ट होता है, ज्यादा प्लांट्स भी ग्रो कर सकते है एक कड़ी फार्मिंग में। आपको ये मॉडल बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। आपको ये मॉडल बनाना हो तो मैं ये मॉडल कैसे बना सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक यूज करके आप ऐसे मॉडल आप ही बना सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो जरूर लाइक करो, आप पहले बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। थैंक यू।